गुड मॉर्निंग, आइए जानते हैं हेलो इफेक्ट किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति का एक कैरेक्टर या एक पर्सनालिटी देख के मन में ये परसेप्शन बैठा लेना कि नहीं, वो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे बाकी के, वो व्यक्ति उसमें भी अच्छा होगा, इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। जैसे क्लास में कोई बच्चा अगर टाइम से आता है, फिर टाइम से जाता है, ठीक से रहता है, तो टीचर्स ये मन में परसेप्शन बैठा लेते हैं कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा होगा पढ़ने में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो घर में भी अच्छा होगा, सोसाइटी में अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उनका एक खूबी आपको बहुत अच्छी लगती है और उस खूबी के आधार पे आप मन में बैठा लेते हैं कि वो सही इंसान होगा, वो जो भी कर रहा होगा सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए वो कोई स्कैम में फंस जाता है और कोर्ट द्वारा उसको सज़ा मिलती है, फिर भी आपका दिल मानने को ये तैयार नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकता है। ये हेलो इफेक्ट का है। जब तक आप हेलो इफेक्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, उसके अंदर की कमियां आपको दिखाई नहीं देगी, या किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी, केवल पर्सनालिटी ही देख के आप बता देंगे कि नहीं, ये इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ये इंसान अच्छा होगा, ये सारी अच्छी हरकतें करता होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेलो इफेक्ट ये बताता है कि एक कैरेक्टर के आधार पर आप बाकी कैरेक्टर को अच्छा कह सकते हैं हेलो इफेक्ट के कारण, जो कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि ये अलग हो। थैंक यू।